को छोड़ो इसे, छोड़ो। उसकी हिम्मत कैसी हुई अम्मी और आपी के खिलाफ ये बात करने की? हाँ फायदा मुझे ना, मरिया बात करेगी उसकी अकल ठिकाने लेकर आ गई। इन्होंने बात कर ली और देख लिया हम सब ने। पागल हो गए, लग जाएगी छोड़े से। हुआ क्या है? हाँ बताओ हुआ क्या है? इसने आप दोनों की बातें सुन ली थी। मैं किचन में काम कर रही थी, पता नहीं कैसे कब छुरी उठा के गई, अपना हाथ काटने लगी। मैंने इतनी मुश्किल से उसको संभाला। पागल हो गया क्या? लग जाती तो शर्म नहीं आती तुम्हें? बहुत शौक है ना तुम्हें इस घर का बड़ा बनने का? हम लोग मर गए हैं क्या? बात कर लेंगे ना उनसे आराम से। बस कर दे, हर दफा बैठ के बात करते हैं ना आप लोग, इसलिए उनको इतनी शय मिल गई और आज उन्होंने हमें लूट का माल समझ लिया। अगर आप और अम्मी पहले दिन से औकात याद कराते ना उन लोगों को, तो इतनी नौबत ही ना आती। मैं नहीं छोड़ूंगी आज। अरे बेटा बाज आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई है भी नहीं। और क्या करेंगी बताएं जरा, मैं भी तो देखूं करेंगे क्या आप। लिहाज करो यार, बड़ी बहन है। बस कर दो, तुम लोग आपस में इस तरह लड़ रही हो, इस तरह से तो दुश्मन तो और मजबूत हो जाएगा। तमाशा बंद करो अपना फायदा। आशा के साथ रह रहे के ना तुम भी आशा जैसी हो गई हो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ करने की इजाजत दूंगी। कम से कम आयशा में इज्जत और गैरत तो है ना, अपने हक में बोलना जानती है। हमारी तरह नहीं है जो मुंह पे ताले रख के बैठी है, और उसके सामने तो कोई आवाज निकाल के बात भी नहीं कर सकता क्योंकि वो सबको औकात में रखती है। और एक आप है, चार पैसे कमा के घर की लीडर बनी, जिनकी जबान सिर्फ घर में चलती है, बाहर तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। क्या किया तुमने? ये आपको नजर नहीं आ रहा जबान चला रही है ये? इसे बड़े छोटे का लिहाज बिल्कुल भी नहीं है। नहीं मुश्किल है, चलाऊंगी जबान। बताएं क्या करेंगी आप? और आप जैसी बहन होने से तो बेहतर है कि मेरी कोई बहन ही ना होती, जिसको सिर्फ लीडर के लिए आती है। हमारी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है इनको। बस बंद करो अपनी, क्योंकि तुम लोग की वजह से अम्मी की तबीयत खराब हो रही है। अम्मी अम्मी बैठे दो, बैठे अम्मी प्लीज। क्या हुआ अम्मी? फायदा पानी लाओ। अम्मी ठीक है? आप नहीं सुनेगी, तुम लेकर आओ पानी जाके। अम्मी सॉरी। मैं क्या बकवास कर रहा है, क्यों नहीं हुआ काम? वो तेरी बीवी जब पूरे मोहल्ले में तुरमखान बनी फिरती है, उससे जरा सा काम नहीं हुआ? खैर बशीर ये कोई मामूली काम नहीं था। हाँ तो मैंने 5,000 तुझे खैरात के लिए दिए थे, इसी काम के लिए दिए थे। देख बशीर तमीज से बात कर, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तेरे घर से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। उस कुलसुम ने तेरी वजह से ना शगुफ्ता की इतनी बेइज्जती की है। बातें बनाई नहीं मेरे साथ, सिर्फ मुझे इतना बता दे कि कुलसुम ने बोला क्या। अरे बोलना क्या था, वो तो सुनते ही ये बात चिल्लाने लगी और शगुफ्ता को घर से धक्के देके निकाल दिया। इसकी इतनी हिम्मत होगी? देखता हूँ मैं उसे। देख बच्ची मैं कहता हूँ इस बात को यहीं रोक दे, इससे पहले के लोग तेरा कोई तमाशा बनाए। बस चुप कर तू, बड़ा है मशवरा खान। अबे अब सिलसिला चल पड़ा है, और जब सिलसिला चल पड़ा है ना तो अब ये रुकेगा मेरी कुलसुम की शादी पे। बहुत जिद्दी है ना वो, तो मैं हूँ माँ जिद्दी। तू देख होता क्या। अबे हाँ वो 5,000 रुपए जो दिए थे ना शाम तक घर पहुंचा देना। अरे तो वो तो तूने काम के दिए थे ना। तो काम हुआ है? हुआ काम? अबे काम होगा तो काम के पैसे मिलेंगे ना, इज्जत से पहुंचा दीजिए, वरना जानता है तू मुझे। काम के दिए थे 5,000 रुपए, खैरात में बट रहे हैं। लोग ठीक ही कहते हैं, जब घर का सरबरा ना रहे घर का सारा शिराजा बिखर के रह जाता है। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया सब। प्लीज अम्मी आप मुझे माफ कर दें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे फायजा पर इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे एक बात की समझ आ गई है कि अगर मुझे इस घर का बड़ा बनना है तो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी होगी। प्लीज अम्मी आप मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से आपका बीपी हाई हो गया। अलिया तुम एक बहुत अच्छी बहन हो, बहुत प्यारी बहन, लेकिन तुम्हें एक बात ही समझनी होगी कि जो कुछ फायजा ने सुना और उसके बाद जो उसका रिएक्शन था वो गलत नहीं था। अभी वो बहुत छोटी है हमसे, उसको हमारी तरह सोचने में भी बहुत वक्त लगेगा।
बस यही समझना है तुमने। आप ठीक कह रही हैं, मैं मान रही हूं ना कि मेरा कसूर है, बस बशीर वाली बातों से मैं इतना ज्यादा परेशान हो गई थी, मैं अपने सेंसेस में नहीं थी और बशीर का गुस्सा मैंने फायजा पे निकाल दिया। हमारे हालात ने हम सब को अजीब चिड़चिड़ा सा बना दिया। कमरे में बंद किया हुआ अपने आप को, दो तीन दफा खाना लेके गई हूँ लेकिन दरवाजा ही नहीं खोल रही। उसकी हमेशा से यही आदत थी, वो हर बात पे नाराज होकर ना अपने आप को कमरे में बंद कर लेती थी और फिर मुश्ताक उसे मनाया करते थे। अब वो तो नहीं रहे इस दुनिया में, अब फैजा को कौन मनाएगा? मैं मना लूंगी, मैं मना लूंगी, आप परेशान ना। हाँ ठीक है मलिया, मुझे ना ये बात समझ में आ गई, औरत कितनी नेक शरीफ क्यों ना हो लेकिन उसे इस माशरे में अपनी शराफत का सबूत देने के लिए ना मर्द के नाम का सर्टिफिकेट जरूर चाहिए होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि साकिब ना मेहनाज से जल्द से जल्द शादी कर ले और फिर यही रह जाए ताकि ताकि कोई भी ना कोई भी हम लोगों पर बुरी नजर ना रखे। अभी मुझे कोई बात नहीं करनी, मेरा वैसे ही मूड ठीक नहीं है। क्यों जनाब, आपका मूड क्यों खराब है? कहीं अम्मी ने पिटाई तो नहीं कर दी है? जी नहीं, हमारी अम्मी कभी भी हम बहनों पे हाथ नहीं उठाती। अरे बाबा मजाक कर रहा था। अच्छा ये बताओ कि कॉलेज कब आ रही है, तुमसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा है। वाह भाई, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुमसे कोई महीनों पहले मिली थी, अभी परसों ही तो मिले थे हम। हाँ तो परसों के बीच में कल और आज भी तो है। अच्छा ज्यादा मजनू बनने की जरूरत नहीं है, समझे? हो सकता है कॉलेज आ जाऊं और हो सकता है ना भी आऊं, लेकिन जो भी प्लान होगा तुम्हें बता दूं। अरे ये क्या बात हुई यार, अभी बताओ ना कि तुम आ रही हो कि नहीं, तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। नुमान कोई आ रहे रूम की तरफ, मैं बाद में बात करती हूं। जी नहीं, मैं आज फोन नहीं रखने वाला। हेलो हेलो, फिर फोन रख दिया। क्या कर रही हैं आप ही? फैजा का खाना लेकर जा रही हूँ, क्या पता इस बार मान जाए। नहीं मुझे दे, मैं ले जाती हूँ। नहीं नहीं मरिया, तुम नहीं समझने की कोशिश करो, अभी उसका गुस्सा ताज़ा है, बिना वजह तुमसे बदतमीजी करने लगेगी, बात बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं आप ही कर लेने दें, मैं सह लूँगी। अब मैंने उसे नाराज़ किया तो मनाना भी तो मेरा फर्ज है ना, मैं ले जाती हूँ। अच्छा चलो फिर मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं मैं अकेली जाऊँगी, आप मम्मी के पास। अच्छा जाओ, देख के जाना। मम्मी आप क्या कह रही थे, मैं कर लेती। नहीं बेटा, तुमने फायजा को खाना दे दिया है? मलिया ले गई खाना उसके लिए। या अल्लाह, मलिया लेके गई है? मेहनाज तुम्हें पता है वो एक दफा किसी से चिढ़ जाए तो काबू में नहीं आती,
उसे तो तुम्हारे अब्बू ही काबू करते थे बेटा। मैं समझाने की कोशिश तो की मैंने, लेकिन जबरदस्ती ले गई। खैर आप क्यों परेशान होती हैं, उनके मसले वो खुद ही सॉल्व कर लेंगे। फायजा चलो उठो खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। नहीं खाना मैंने कुछ, और अगर मुझे कुछ खाना होगा ना तो मैं खुद खा लूंगी, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी फिक्र क्यों ना करूं, बड़ी बहन हूं तुम्हारी। इसी बात का फायदा उठा के आपने मुझे थप्पड़ मारा है ना, और जाहिर है ये सब तो आप करेंगी ना, क्योंकि इस घर में कमा के ला भी तो आप ही रहेंगे। फायजा प्लीज ऐसी बातें ना करो, मुझे एहसास है इस चीज का कि मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आई एम सॉरी। हाँ लेकिन उठा तो दिया ना आपने मुझ पे हाथ। अच्छा चलो उठा भी लिया तो तुम्हारी बड़ी बहन हूं मैं, तुम्हें बचपन में भी तो मारती थी ना मैं, तब तो तुम ऐसे नाराज नहीं होती थी मुझसे। क्योंकि तब मैं छोटी थी, अच्छे बुरे की तमीज नहीं थी मुझे, जो आप लोग समझाते थे वो ही समझ जाती थी। बड़ी हो गई हूँ, हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, और स्पेशली जब मेरी अम्मी की बात आएगी ना तो उनकी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा दिल आप जितना बड़ा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं अम्मी से प्यार नहीं करती, या मुझे उनकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? जी हाँ, अगर आपको अम्मी की इज्जत का ख्याल होता ना तो आप उस वक्त मुझे यूं रोकती ना, कि मेरे साथ जाके उन लोगों का मुंह तोड़ देती जिन्होंने हमारी अम्मी को भी नहीं छोड़ा। देखो फायजा मैं उन लोगों से नहीं डरती, मैं अभी जाके उनका दिमाग दुरुस्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये सारी बात जिन लोगों को नहीं पता उनको भी पता चल जाएगी, बिला वजह हमारी माँ का तमाशा बन जाएगा लोगों के सामने। तो क्या हर बार की तरह इस दफा भी इनकी बेगैरती सहेंगे हम? इनको देने के लिए कोई जवाब है हमारे पास या नहीं? है, हमारे पास एक ही जवाब है जो हमें अम्मी ने बताया। अच्छा और वो क्या है? यही कि इस घर में किसी मर्द का होना ही तमाम मसलों का हल है। से पढ़ाई कर, समझ गया? अम्मा मैं जरा फाइजा के घर जा रही हूँ खिजर के साथ। कोई जरूरत नहीं किसी के भी घर जाने की, आराम से बैठ अपने घर में, और इन लोगों के साथ तेरा मेल जोल जो है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चल बैठ। क्या है अम्मा, तुमने तो उन बिचारियों से बैर ही बांध लिया है, हालांकि उन्होंने कहा क्या है तुम्हें? जो भी समझ ले, अब बता। मैं पड़ोस में ही जा रही हूँ, चल खिजर, चल मुझे छोड़ के आ। टांगे तोड़ दूंगी तेरी अगर घर से बाहर एक कदम भी रखा तो। देखो तो सही, ना दिन देखती है ना रात, बस कलाचे भरती हुई, कभी ये उधर और कभी वो इधर। अम्मा जाने देना आप ही को, मैंने छोड़ भी दूंगा लेके भी आ जाऊंगा, और महनाज भाभी मुझे होमवर्क भी करा देंगी। तू ज्यादा उसका हमायती मत बनने की कोशिश कर। हाँ अम्मा जाने दो ना, फायजा का फोन आया था, बुला रही है, कह रही थी दिल घबरा रहा है मेरा। अंदर चल वरना ये कैंची जो है ना तेरे सर में मार दूंगी या खुद अपने आप को मार लूंगी, चल चली जा। तू इधर बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकता है? बहुत मुश्किल है अम्मी। पढ़ा फिर भी? जी पढ़ो।
मिनाज बेटा लाओ मुझे दो, मैं कर देती हूँ, तुम कुछ और कर लो। अम्मी सारे काम हो जाएंगे, इधर आप बैठे, ये हमारे काम है, हम कर लेंगे। बेटा तुम लोगों ने तो वाकई मुझे बीमार समझ लिया, मैं जब कोई काम करने के लिए कहती हूँ तुम लोग मना कर देती हो। अम्मी हम इसलिए नहीं मना करते कि कोई वजह है, सिर्फ इसलिए मना करते हैं कि आपको ये सारे काम करने की आदत नहीं है, आप ये सारे काम मासियों से करवाती थी। हाँ तो बेटा तुम लोगों को भी तो आदत नहीं थी ना, अब कर रहे हो ना, मुझे भी आदत पड़ जाएगी। और सच पूछो तो फारिग रह रहे के ना अजीब अजीब सी सोचें सताते हैं, मुझे लगता है कि काम कर करके बीमार नहीं पड़ूंगी, लेकिन सोच सोच के बीमार जरूर पड़ जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने हांडी चढ़ाई है, आप हांडी देख लें, मैं घर की सफाई कर लेती हूँ, फायजा को बोलती हूँ जब तक वो रोटियां बना लेगी, बस। ठीक है। वैसे बेटा अल्लाह का शुक्र है कि फायजा और मलिया के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया, वरना मैं तो बहुत परेशान हो रही थी। नहीं वो लोग बहनें हैं, ठीक तो होना ही था उन दोनों ने, और आप बिला वजह छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती हैं। कैसे परेशान ना हो बेटा, फायजा का तो तुम्हें पता है ना कितनी जिद्दी है, हमेशा से लाडली जो रही है, उसे कभी किसी ने कुछ कहा नहीं, उस पर हाथ नहीं उठाया किसी ने। मैं तो डर गई थी कि पता नहीं इस बात को लेके वो कितने दिनों तक नाराज रहेगी। अम्मी मलिया ने जो कुछ किया जानबूझ के नहीं किया, और मुझे अंदाजा है कि फायजा भी इस बात को समझती होगी। आप ना परेशान हुआ करें। अच्छा चलो मैं सालन देख लूँ। हम देख तुम कब आए? जी आप कहाँ हुए? नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, आप आइए बैठिए। मलिया ये वैसे बैठने का वक्त नहीं है, सारा स्कूल खाली हो चुका है, ये जाने का वक्त है। इतना टाइम हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। अरे इन्हें रहने दीजिए ना, अच्छे लग रहे हैं। क्या मतलब? नहीं नहीं मेरा मतलब कि आपके बाल परेशान लग रहे, ऐसे जैसे कि ये आपकी परेशानी में आपका साथ दे रहे हो। अच्छा लेकिन आपको किसने कहा कि मैं परेशान हूँ? अच्छा वैसे मुझे लगता है कि आपको किसी ने ये बताया नहीं कि मैं बहुत अच्छा फेस रीडर हूँ और चेहरे से दिल का हाल जान लेता हूँ। अच्छा तो फिर बताएं कि मेरे दिल में इस वक्त क्या है। फिलहाल तो कोई नहीं है, मेरा मतलब कि फिलहाल आपके दिल में कोई नहीं है लेकिन दिमाग में परेशानी बहुत है, ये मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं बस बशीर की वजह से परेशान हूँ। बशीर की वजह से? अब क्या किया बशीर इंसान से? मत पूछें, इस बार तो उन लोगों ने हद ही पार कर दी है। अरे बताओ तुझे किया क्या? उस घटिया इंसान ने अपना और अपने दोनों बेटों का रिश्ता भेजा है हमारे घर में। क्या? अरे यार अब्बा ये ऊंट तो किसी करवट बैठ ही नहीं रहा है, हर बार कोई ना कोई नया रोड़ा जो है ना अटक जाता है। सही कह रहा, कसम खुदा की इस बार तो मैं भी समझा था कि हमारी कोई ना कोई बात पक्की बन जाएगी। ये औरत तो मेरी सोच से भी ज्यादा जड़ी है। मैंने सोचा था कि यार चोरी का पुलिस का चक्कर होगा डर जाएगी, लेकिन नहीं भाई ये तो शेरनी बन के खड़ी हुई है, आसानी से टूटेगी नहीं है। अब्बा क्यों बिला वजह किसी को बातें सुना रहे हो, ये सारा का सारा खेल ना तुम्हारी वजह से ही बिगड़ा है। अगर तुम अपना वो शादी वाला बाजा ना बजाते बीच में तो इस अम्मा को इतना गुस्सा नहीं आना था। क्या मतलब, क्या बकवास कर रहा है, बाप के सामने शर्म नहीं आ रही थी? रहने दो अब्बा, नजीरा ठीक ही तो कह रहा है, वैसे भी मेरा दिमाग खराब हो गया है।
बजाय इसके कि इस उम्र में हमारे लिए बहुएं लेकर आते, खुशी मनाते, तुम भी जवान बन के हमारी लाइन में लग गए और हमारा पत्ता भी साफ कर दिया। अबे हो, तुम दोनों मेरे पीछे तो ऐसे पड़ गए हो जैसे तुम दोनों माशाल्लाह बड़े लाइक फाइक हो, हैं? कुलसुम तो मरी जा रही है, तड़प रही है तुम्हें रिश्ता देने के लिए, मेरी वजह से इनकार कर दिया उसने, है? आ तो और क्या, अब्बा कैसे नहीं देती? बस एक बात बताऊं, ये आंटी जो है ना बड़ी कहीं है। अरे वो अच्छी तरह जानती है कि जिन हालात में हमने उसे फंसा दिया है ना, इन हालात में उनकी बेटियों को हमारे अलावा कोई पूछेगा भी नहीं। हाँ ना, हमारे जैसे खूबरू जवानों के रिश्ते कहाँ मिलेंगे जो उसकी बेटियों को भी संभाल लें। बस वो अपनी ये टांग बीच में से हटा लो, फिर देखो कैसे ये माई सर के बल राजी होती। अरे निकात खोले, बाप की टांग अगर बीच में से हट गई ना तो तुम दोनों अपनी टांगों पर नहीं खड़े रहोगे, बता रहा हूँ मैं। ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, आराम से अपनी जगह पे बैठो और सोचने दो करना क्या है। सहरे तो अब बनेंगे तो तीनों के बनेंगे, अब बारात भी एक ही घर में जाएगी। मैं भी देखता हूं कौन रोकता है मुझे। मेरा बच्चा लेट हो रहा है, बस थोड़ी देर में और उठ रहा हूँ। मेरी जान कॉलेज के लिए लेट हो रही हो, उठ जाओ जल्दी से। ओहो, मुझे तो याद ही नहीं रहा। आप ही अब जल्दी से नाश्ता बनाएं, मैं फ्रेश होके आई 2 मिनट में। ओके। ये सारे तो हो गए ना बेटा? जी अम्मी। चलो फायजा उठ गई? हाँ, हैरत की बात तो ये है कि एक ही आवाज में उठ गई, वरना 10 दफा उठाओ तो जाके आंख खोलती है। कॉलेज जाने की खुशी में ना उसकी नींदें उड़ी हुई है, वरना छुट्टी वाले दिन उसे उठाना बहुत अजाब होता है। पढ़ाई का तो शौक उसे हमेशा से ही है। सही कहा आपने अम्मी, दरमियान में जब उसका कॉलेज जाना बंद हो गया था कितना चिड़चिड़ापन आ गया था उसमें। सही कह रही हो। अच्छा, तुमने उसके कपड़े इस्त्री कर दिए थे? जी जी, आप ही, मैंने उसके भी कर दिए थे और अपने भी कर लिए हैं। चलो ठीक है, मैं तुम लोग के लिए नाश्ता बनाती हूँ। और हाँ, टार्जन ना बनना, नाश्ता करके जाना। आप ही, मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी जब काम में मसरूफ होती हूँ ना, वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मैं नहीं कुछ सुनने वाली, जो भी है नाश्ता करके जाओगी। गरम गरम पराठे बना रही हूँ तुम्हारे लिए। कितनी चलाक है ना आप ही, ये मुझे पराठे खिला खिला के ना मोटा करना चाहती है, ताकि लोग इन्हें दुबला कहें और मुझे मोटी कहें। अम्मी कितनी चलाक है ना ये। कोई तुम्हें मोटा कहने वाला, और नहीं होगी तुम मोटी। तुम लोगों को इस तरह हंसते बोलते देख के ना मेरा सहरा खून बढ़ गया है। मैं तो चाहती हूँ कि रोज आपका खून बढ़े, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों पे बिला वजह परेशान हो जाती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको फायजा के कॉलेज जाने पे खुशी हो रही है ना? खुश नहीं बेटा, बहुत खुश हूँ, बल्कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही हूँ। तुम्हारे अब्बू की बड़ी ख्वाहिश थी कि फायजा डॉक्टर बने, अगर वो जिंदा रहते ना तो फायजा की तालीम का सिलसिला कभी खत्म ना होता। आप बिल्कुल परेशान ना हो, फायजा की पढ़ाई का सिलसिला अब कभी नहीं रुकेगा, और इंशाल्लाह वो डॉक्टर भी बनेगी। आपको पता है, जब तक फायजा की पढ़ाई शुरू नहीं हुई थी ना, मैं बहुत घबरा गई थी। जानती हूँ बेटा, तुम्हें हम सबकी बड़ी फिक्र रहती है, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, और ऊपर से तुमने फायजा की पढ़ाई का खर्चा भी उठा लिया। देखा ना, आपने फिर से टेंशन लेना शुरू कर दिया। हाँ तो क्यों ना लूं टेंशन, क्या मैं नहीं जानती कि तुम्हारी छोटी सी तनख्वाह के अलावा हमारे पास और कोई वसाइल नहीं है बेटा। अम्मी, वसाइल बनाने वाला अल्लाह बहुत मेहरबान है हम पर। बेशक वो तो है बेटा, बस आप दुआ किया करें। इंशाल्लाह, मैं जरा मेहनाज के साथ मिलके नाश्ता लगा रही हूँ, आ जाओ तुम भी नाश्ता करके जाना। ठीक है, मैं आ रही हूँ।
इतना दिल चाह रहा है आज बाल खुले छोड़ के जाने का, क्या मुसीबत है। फायजा जल्दी आ जाओ, पराठा ठंडा हो रहा है तुम्हारा। आ रही हूँ। यार क्या कमाल खुशबू आ रही है नीचे से देसी घी के पराठों की। उफ। ना तो इसमें क्या है भाई, वहां से तो रोज आती है ऐसी खुशबू। यार कदीर है भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये लड़कियां तो हरफन मोल है, कसम से जो भी काम करती हैं शानदार करती हैं। देख मैं तो ये सोच रहा हूँ जब ये शादी करके इस घर में आ जाएंगी ना, हमारी तो जिंदगी सफर जाएंगी यार। तू बनाता रहा ऐसी ख्याली पुलाव, मगर याद रख जब तक हमारा अब्बा जिंदा है ना हमारा घर नहीं बसने वाला। हाँ ठीक कह रहा हूँ, देखा नहीं तूने जब भी हमारा घर बसने की उम्मीद बनती है फौरन अब्बा बीच में कूद पड़ता। अबे हमारी मिसाल वैसी है जैसे कि हाथ में तो आया लेकिन मुंह को ना लगा। तो फिर क्या करें यार हम, अगर अब्बा की शादी ना हुई ना तो मुझे तो ये लग रहा है हम भी इस दुनिया से ऐसे ही निकल लेंगे कसम से। ऐसे कैसे चल लेंगे, हैं अंधी मची हुई है क्या। यार भाई मैं एक बात सोच रहा था, मुझे लग रहा कि हम ना अब्बा को ऐनी बेफजूल बातें सुनाते रहते हैं। अगर अब्बा अपनी शादी की बात उस बुढ़िया से ना भी करता ना तो तब भी वो इतनी सीधी नहीं है कि इतनी आसानी से अपनी बेटियों का रिश्ता हम दोनों से करते। बस बुढ़िया की ऐसी की तैसी। अबे अब्बा की वजह से रुका हुआ हूं मैं, लेकिन जिस दिन मेरा मीटर शॉर्ट हुआ ना गाड़ी को लूंगा सीधा उनके घर में घुस जाऊंगा और निकाह करवा कर ही बाहर निकलूंगा मैं। समझे, फिर तो मुझे भी साथ लेनी, एक निकाह मेरा भी करा दी, वैसे भी एक काजी दो दो निकाह तो पढ़वा ही सकता है ना यार। चल ठीक है करवा देंगे तेरा निकाह भी, एक काजी से दो दो निकाह। बच्चा और मैं ये पराठा वराठा नहीं खाऊंगी, ब्रेड बटर खानी है मुझे, लेकर आए वो। फायजा ब्रेड बटर नहीं है घर पे। ठीक है फिर मैं नहीं करी नाश्ता, क्योंकि ये रोज रोज इतने हैवी पराठे खा कर के ना मेरी तबीयत खराब हो गई है। फायजा नखरे क्यों कर रही हो, जो घर में मौजूद है सब शुक्र से उसे खा लो। अम्मी आपको हो क्या गया है, खुदा के लिए उठने बैठने चलने फिरने हर चीज पे रोक टोक करी थी, अब आप खाने पे भी शुरू हो गई है। अब तुम बच्ची नहीं रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे। जी अम्मी हालात तो क्या, यहाँ पे तो पहले जैसा कोई भी नहीं रहा। खैर मैं जा रही हूँ। फायजा नाश्ता तो करके जा, पेट भर गया है मेरा, देर हो रही है कॉलेज जाना है। रुक जाओ फायजा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। भाई अब आपका वेट करूंगी तो और देर हो जाएगी, मुझे जाना है ना, मैं नहीं रुक सकती। अच्छा ठीक है तुम चली जाओ, चादर पहन के जाना। चादर, उफ अल्लाह अम्मी अब ये क्या नहीं ले आई हैं आप, मैं कब पहनती हूँ चादर। पहले नहीं पहनती थी लेकिन अब पहनोगी। अम्मी हमारे हालात खराब हुए, अल्लाह के वास्ते हमारी हालत ना खराब करे। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, महनाज के कमरे से उसकी चादर उठा और वो ओढ़ के जाना, वरना जाने की जरूरत नहीं है। हमारे मोहल्ले में कुछ बद नजर लोग भी रहते हैं, इस तरह से मोहल्ले में निकलना ठीक नहीं है। अम्मी मैं चादर पहन के जोकर लगूंगी, आपको क्या हो गया। क्या हो गया फायजा, तुम क्यों अम्मी के साथ बहस कर रही हो। अम्मी ठीक ही तो कह रही हैं, कल जो हमारे साथ हुआ है उसके बाद हमें और भी मोहतात रहना चाहिए। जी आप तो करेंगी ना अम्मी की हिमायत, क्योंकि इस गंदे सड़े घर के अंदर हम आपकी वजह से ही बैठे हैं। पता नहीं आपकी वजह से अब क्या क्या देखना पड़ेगा। पहन रही हो चादर फायजा, साफ हो गया जा। क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो गई है, बैठो बेटा तुम नाश्ता करो।
घर से जल्दी निकला था कि आज मैं स्कूल जल्दी पहुंच जाऊंगा। लिया समझ रही होगी कि मैंने आज भी छुट्टी कर ली। गाड़ी खराब हो गई? नहीं, चलते चलते कोई मसला आ गया। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। छोड़ तो आपने मुझे कब का दिया भाई? बेटा मैंने नहीं, तुमने मुझे छोड़ा, वरना आज भी मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। शायद आज तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, मगर एक बात याद रखना, अपने बाप को छोड़कर जिन छोटे लोगों पर तुमने तकिया लगाया हुआ ना, एक दिन वो भी तुम्हें धोखा दे देंगे बेटा। वैसे बाबा आपको एक बात बताऊं, धोखा हमेशा छोटा नहीं देता, कभी कभी बड़े भी धोखा दे देते, जिस तरह आपने एमन की वालदा को दिया। फहद, बेटा क्यों एक थर्ड क्लास जगह पे खुद को जाया कर रहे हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है हमारे बिजनेस सर्कल में मजाक बना हुआ है हमारा, कि तुम्हें मैंने अमेरिका भेजा तालीम के लिए ताकि तुम वापस आके मेरे बिजनेस को संभाल सको, और तुम वो 2% की एनजीओ की नौकरी कर रहे हो जिससे 50 गुना बेहतर नौकरी मिल सकती है तुम्हें। चले बाबा, ये तो आज आपने अच्छा किया कि मुझे क्लियर कर दिया कि आपने तालीम सिर्फ मुझे इसलिए दिलवाई ताकि आपका फायदा हो। और जहाँ तक रही बात नौकरी की, वहाँ तो मैं कभी भी नौकरी नहीं करूँगा जहाँ आपकी सिफारिश हो। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी वालदा ने मुझे इतनी प्रॉपर्टी दे दी कि मेरा अच्छा गुजारा हो जाता है, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना पड़ा, वरना आपसे लिया होता तो पता नहीं शायद। बेकार बातें मत करो, बाप हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हारी माँ से कहीं ज्यादा तुम्हें देना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरा सारा कारोबार, जिस दिन आप एमएन को अप्लाई करेंगे ना, उस दिन मैं आपके बाजू बन जाऊंगा। उस खबीस बशीर का, उसका और उसके बेटों का रिश्ता लेकर आई थी। क्या मतलब मम्मी? मतलब बशीर का रिश्ता आप ही के लिए और उसके दोनों बेटों का रिश्ता मेरे और फायजा के लिए? नहीं, वो अपने उन लोफर बेटों का रिश्ता तुमसे और फायजा से करना चाहता है, और मेरा अपने साथ। एक तो घर के इतने मसाइल हैं, ऊपर से ये बशीर लोगों की हिम्मत तो देखो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैंने फायजा को तो चुप करवा दिया है, लेकिन इस मामले का कोई ना कोई तो हल होगा ना। मैडम, वो फास सर की क्लास बहुत शोर मचा रही है। क्यों, उनकी क्लास क्यों शोर मचा रही है? वो खुद कहाँ है? मैडम वो तो अभी तक नहीं आए। एक तो ये फहद हर रोज छुट्टियां कर लेता है, उसके मसले के हल ही नहीं होते हैं। अब देखती हूँ मैं कि अब कौन सा नया बहाना किया होगा उसने। नहीं मैडम, जरूर कोई ना कोई तो वजह हुई होगी, वरना फहद सर बिना किसी वजह की छुट्टी नहीं करते। तुमसे पूछा है मैंने, जितना पूछा करूँ उतना ही जवाब दिया करो। जी मैडम। जाओ यहाँ से। मैं याद नहीं कर रही थी, सिर्फ इसलिए कॉल की कि पूछ सकूं खैरियत से पहुंच गए कि नहीं। साकिब, मैं आपको अपना जवाब दे चुकी हूं, तो बस खाला पे डिपेंड करता है। चलो मैं फोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना और सबको सलाम कहना। खुदा हाफिज। किसका फोन था बेटा? साकिब का। अच्छा, घर पहुंच गया है ना वो खैरियत से? जी, इसीलिए कॉल की थी कि
यही बता रहा था कि खैरियत से पहुंच गए। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मेहनाज, मैं सोच रही थी कि मुझे सिलाई करना तो आती है, तो क्यों ना मोहल्ले वालों के कुछ कपड़े सी दिया करूं, कुछ पैसे ही आ जाएंगे। अम्मी काम तो बुरा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मलिया आपको काम करने देगी। अरे बेटा, हम कब तक हर चीज की जिम्मेदारी सिर्फ मलिया पे डालते रहेंगे? हमारा भी तो फर्ज है ना इस घर के लिए। बेशक वो बहुत मेहनत करती है, लेकिन वो अकेली कब तक ये सारा कुछ करेगी? हमें भी तो साथ देना चाहिए ना। सही कह रही है अम्मी आप, घर के हैं ही इतने अखराजात, बंदा क्या करे। मैं तो खुद चाहती थी कि मैं काम करूं, एटलीस्ट फायजा की कॉलेज की फीस ही पे कर देती, लेकिन बस तुम्हें करने की जरूरत नहीं है कुछ। मैं मलिया आएगी ना, मैं खुद उससे बात कर लूंगी, मैं कर लूंगी उससे बात।